आइए आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में देखे और सीखे द नेटिंग चैनल में मैं आज आपके लिए एक मेरी गोल्ड फ्लावर लेके आई हूँ यानी मैं गेंदे का फूल लेके आई हूँ इसे आप इससे तुरन बना सकती हैं किसी चीज़ में लगा सकती है बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा इसे डेकोरेट भी कर सकती हैं कहीं गुलदस्ता बना के तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम ग्रीन कलर लेंगे ग्रीन कलर यानी फोर प्लाई ऊन है और यहाँ मैंने क्रोसिया लिया एलेवन नंबर आप यहाँ पर टू पॉइंट फाइव एम एम क्रोसिया ले सकती हैं थ्री एम एम क्रोसिया ले सकती हैं बारह नंबर क्रोशिया ले सकती हैं अगर आपके पास ना हो तो नौ नंबर छः नंबर जो भी क्रोशिया आपको सुविधा लगे आप उस क्रोशिया से इसे बना सकती हैं तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो गांठ लगा लेंगे और यहाँ पे हम सेवेंटी चेन बनाएंगे वन टू यानी सत्रह चेन बनाएंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और ये सेवनटीन सेवेंटीन हमने यहाँ पे चेन बना लिया है सेवनटीन चेन बनाने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे टू चेन स्कीप करेंगे वन और टू थर्ड नंबर चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे अब हर एक चेन पे डालते हुए हमें डबल क्रोशिया करना है पूरी रो हम डबल क्रोशिया करेंगे ये देखिए पूरी रो हमने डबल क्रोशिया के कर लिया है तो कितने ही हमारे डबल क्रोशिया बन गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन और ये फिफ्टीन टोटल फिफ्टीन हमारे पास डबल क्रोशिया बन गए हैं तब देखिए यहाँ से थ्री चेन लेंगे वन टू और ये थ्री यानी तीन चेन लेंगे इधर पलट जाएंगे पलटने के बाद से चेन पर डालते हुए हम एक डबल क्रोशिया करेंगे अब हर चेन पे डालते हुए हमें दो दो डबल क्रोशिया करना यानी टू टू डबल क्रोशिया करेंगे वन डबल क्रोशिया सेम चेन पे डालेंगे और फिर से वन डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे और टू डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया फिर सेम चेन पे डालते हुए वन डबल क्रोशिया यानी टोटल तो हमारे पास थर्टीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे यानी थर्टी थर्टी सॉरी और यानी कि तीस डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास पंद्रह के डबल करेंगे तो तीस हो जाएगा तो चलिए पूरी लाइन हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं फिर आगे दिखाते हैं आपको तो ये देखिए हमने पूरा थर्टी डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया यानी तीस यहाँ से हमने धागा कट कर दिया अब जो यहाँ पे है सबसे फर्स्ट वाली चेन पे हम डालेंगे इस तरह से क्रोशिया और यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे ऑरेंज कलर लगाएंगे मैंने यहाँ पे टू प्लाई दो टू प्लाई ऊन को जोड़ के मैंने यहाँ पे फोर प्लाई किया हुआ है तो आपके पास फोर प्लाई है तो फोर प्लाई से बनाए तो मेरे पास फोर प्लाई का इस तरह का कलर नहीं था तो तो मैंने टू प्लाई जोड़ के बनाया हुआ है यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ एक गांठ लगा लेंगे और यहाँ पे टेन चेन बनाएंगे टेन चेन से भी आप ज़्यादा बना सकती हैं वन इसे भी काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सॉरी एट नाइन और ये टेन टेन चेन हमने बनाया इसके नेक्स्ट चेन पे डाल के हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे अब पहले चेन से निकाल लेंगे ये जो चेन है इस चेन से हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे फिर यहाँ से हम टेन चेन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन नेक्स्ट चेन में डालेंगे हम इसे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे पहली चेन से निकाल लेंगे ये पहली चेन से इस तरह से निकाल लेंगे तो इसे हम स्लिप स्टिच कहते हैं तो इसी तरह से करते हुए हमें सत्रह पंखुड़ी बनाना है ये वन टू इसी तरह से करते हुए सत्रह बनाएंगे हम चलिए इसी तरह से करते हुए सत्रह पंखुड़ी बना लेते हैं टोटल हमने यहाँ पे सत्रह पंखुड़ी बना लिए हैं यहाँ से देखिए काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और ये सेवेंटीन यानी सत्रह हमने बना लिया है तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम यहाँ से थ्री चेन लेंगे हम वन टू और ये थ्री थ्री चेन हमने लिया और क्रोसे पे धागा लेंगे नेक्स्ट चैन पे डालेंगे इस तरह से और इसे बुनना नहीं है सारे फंदों को हम सिर्फ क्रोसिया पे चढ़ाते हुए जाएंगे फिर एक चेन लेंगे इस तरह से धागा लेंगे और नेक्स्ट वाले चेन पे डालेंगे और धागा इसी पे रखेंगे क्रोशिया पे ही रखना है आपको इसे बुनना नहीं है जितने भी अब बचे हुए हैं हमारे ग्यारह यहाँ पर बचे हुए हैं चेन ग्यारह चैन में से हमें इसी तरह से करना है एक धागा लेंगे फिर यहाँ पर बुनेंगे बुनना नहीं है सिर्फ क्रोसे पर रखते हुए जाना है इस तरह से लिया हमने फिर एक चेन लेंगे फिर अगले में डालेंगे इस तरह से फिर एक चेन लेंगे इधर मतलब सॉरी धागा लेंगे ऐसे लेना है फिर एक धागा लेंगे और चेन पे डालेंगे फिर एक धागा लेंगे चेन पे डालेंगे फिर एक धागा लेना है चेन पे डालना है फिर एक धागा लेंगे और चेन पे डालेंगे इस तरह से इसे आप कम भी कर सकती हैं अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इस तरह से कीजिए या तो फिर मैंने जैसे नीचे यहाँ पे सत्रह चेन लिया हुआ था आप इसे कम भी ले सकती हैं अगर आपको फ्लावर ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो, तो इसी तरह से करते हुए सारे फंदों को एक साथ निकालेंगे हम क्रोशिया को हल्का रखें धागा को ढीला रखें और इसे खींचते हुए ले जाए और ये पहले चेन से इसे इस तरह से निकाल लेंगे कि इस तरह से निकालने के बाद इसे इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पे ऐसे बांधना इसे देखिए हमने इस तरह से बांध दिया इसे टाइट करते हुए और यहाँ पे इस तरह से धागे को आप कट कर देंगे टाइट करते टाइट करके बांध लें इसे पहले यहाँ आप धागा कट कर लेंगे अब इसे मोड़ने का तरीका देखिए इस धागे को अंदर छुपाते हुए हम इसे इधर निकाल लेंगे कहीं भी अब देखिए इसे इस तरह से मोड़ेंगे जहाँ हमने गुलाई बनाई है इसे अंदर की ओर से इस तरह से करते हुए हम टाइट करेंगे इसे टाइट करते हुए इस तरह से इसे इस घुमाते हुए मोड़ेंगे इसे ये इस जो धागा सॉरी इसे भी अंदर छुपाना था हमें तो मैं सिर्फ आपको इसे बता रही हूँ बाद में फिर आप ठीक से कर लूँगी मैं इसे इस तरह से करते हुए इसे घुमाएंगे और जो नीचे का धागा था इसे थोड़ा सा लंबा रखते हैं तो इसे सिलने में काम आएगा फिर सुई से सुई की मदद से हम इसे सिलेंगे चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको तो देखिए इस तरह से इसे मोड़ लेना है पीछे के साइड से इधर पकड़ेंगे हम यहाँ से सुई इस तरह से डालेंगे हम पूरा मोड़ लेने के बाद नीचे में लास्ट में एक गांठ लगा नहीं।, नहीं तो ये फुल खुल जाएगी है इस तरह से गांठ लगा लेंगे इस तरह से करते हुए हम देखिए अब यहाँ से लेके एकदम अंदर तक पार करके हमें इसे इस तरह से सिलना है यानी जितने भी हमने इसे मोड़ा हुआ है अंदर से इस तरह से लेंगे और मोड़ते हुए इसे सिल लेंगे घुमाते हुए ताकि ये कहीं से भी ये छूटे ना इस तरह से घुमाते हुए हम सिलेंगे इसे एक बार इधर से डालेंगे इसे एक बड़ी इधर से एक बार इधर से कट लेंगे अब यहाँ पे हम धागे को कट कर देंगे कहीं भी बांध के इसे इस तरह से छुपाते हुए ये हमने लिया यहाँ पे इसे बांधा और एक गांठ और लगा देंगे ताकि मजबूती आ जाए इसमें अब यहाँ पे धागे को हम कट कर देंगे जो भी बचे हुए धागे हैं सबको कट कर दें इस तरह से से आराम से इस तरह से सारे पंखुड़ी को इस तरह से खोल लेंगे हम मैंने इस तरह ये कलर से बनाया हुआ था ये मैंने उस वाले से बनाया हुआ है तो देखिए इसमें आप ये वायर लगा के इसे लगा सकते हैं कोई इसे गुलदस्ते में सजा सकते हैं या तो फिर आप इसे तोरण बना सकती हैं बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा जब आप इसे बनाएंगी तो और इसके साथ जब पत्ते बनाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेंगे देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत है कितना जल्दी बन भी गया है ये और बहुत ही ईजी है तो चलिए अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें आप चैनल को और वीडियो को शेयर कर दें सब्सक्राइब कर दें नहीं किया है तो साथ में एक घंटी आएगी उसे भी दबा दें तो चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू